हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ सेंट्रल मार्केट। मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में कहा था कि मुझे अभी हर रोज़ निकलना है, दिवाली आ गई तो उसकी शॉपिंग के लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, तो मैं साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाया करूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी कि दिवाली के दिन लाजपत नगर कैसे लग रहा है, कितनी भीड़ है। चलो फिर चलते हैं। गाइस ये देखो कितनी ट्रैफिक है। अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया बाहर, लेकिन क्या करें, निकलना तो है ही। ट्रैफिक में तो गाड़ी लेके आना ही दिक्कत हो गई है। और फाइनली हम पहुंच गए सेंट्रल मार्केट। गाइस ये सेंट्रल मार्केट में मल्होत्रा शॉप है, जहाँ से मैं जब छोटी थी तब से ही यहाँ से लहंगा लेती थी, तो आज भी यहीं पे आई हूँ। ये सारे स्टाफ हमें जानते हैं, हर बार दिवाली पे या कोई भी फंक्शन में कभी भी कुछ चाहिए होता था तो हम सब यहीं पे आते थे, पूरे फैमिली। यहीं का लहंगा मुझे अच्छा लगता है तो आज भी आई हूँ यहाँ से लेने। आप लोग देख ही पा रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लहंगे यहाँ पे है। आप लोग अगर आना चाहते हो तो ये लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में ये शॉप है, यहाँ पे वैरायटी आपको मिल जाएगी और एक से बढ़। गाइस ये मार्केट में रश देख लो, इतनी ज़्यादा क्राउडेड है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और ये लड़िया इतनी खूबसूरत है, देख पा रहे हो आप कितनी ज़्यादा लोग आ रखे हैं यहाँ पर। ये ना दिवाली से मतलब एक महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि सारे लोगों को पसंद है। और दिल्ली है भी तो हमारी दिल्ली इतनी बड़ी, तो बहुत सारे मार्केट है, बट ये भी एक उसमें से एक फेमस मार्केट है सेंट्रल मार्केट। ये तो मेरा सबसे फेवरेट मार्केट है। वैसे सरोजिनी भी बहुत अच्छे है, बट यहाँ पर दिवाली के टाइम पर पहले मैं यहाँ पर आती हूँ फिर सरोजिनी जाती हूँ। और यहाँ की जो एक एक चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो, मार्केट को ना पूरे रोशनी कर रखा है और लाइटिंग देख पा रहे हो इतनी अच्छी है। और सब खाना खा रहे हैं, सब शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है ना। क्राउडेड है, दिवाली वाइब्स है, यही तो चाहिए होता है सबको। खाली खाली जगह पे जाना घूमना अच्छा भी नहीं लगता। और क्या नहीं मिलेगा आपको इस मार्केट में, जो चाहे आप ले सकते हो। अच्छा जी ये ना गर्ल्स के लिए है, इतनी फैंसी फैंसी ब्लाउज़ है यहाँ पे। अगर किसी को आना है, किसी के साड़ी के साथ मैचिंग लेना है, किसी के लहंगे के साथ लेना है, तो आपको जैसे मर्जी आप चाहते हो वैसे आपको यहाँ पे ना मिल जाएगी। और यहाँ पे ब्लाउज़ के स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो 500 से स्टार्ट होती है और फिर 3000 तक की है। तो आप देख ही पा रहे हो इनकी कलेक्शन इज़ वेरी नाइस। आप लोग अगर आना चाहो तो ये सेंट्रल मार्केट में आके आप ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे देखो ब्लाउज़ की वैरायटी दूसरी वाली शॉप में भी है, कलरफुल है, जो भी कलर आपको चाहिए है ना सारे कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आप ये मैंने जैसे पहले भी कहा, साड़ी के साथ भी आप मैचिंग करके ले सकते हो। फैंसी फैंसी साड़ी जो पहनती है लड़कियाँ, तो यहाँ पे फैंसी फैंसी ब्लाउज़ उसके साथ हो सकती है। और ना कुछ सेट भी है, ये जो देख रहे हो रेड और पिंक, ये लहंगे के साथ मैचिंग है ये वाली, तो आप ऐसे सेट भी बना करके डाल सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। ये 2000 से स्टार्टिंग है, 2500, 3000, 3000 से भी ऊपर, मतलब 3500 ऐसे में आपको बहुत सस्ते में, ज़्यादा महंगे तो है ही नहीं। जैसे आप शोरूम से लोगे, बड़े वाली शॉप से लोगे, तो ये आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 10,000, 8,000 लाइक। तो यहाँ पे ना बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी और वो चीप में भी आपको मिल जाएगी। और ये दिल्ली छे की मशहूर राम लड्डू और गोलगप्पे की शॉप है, हमने यहाँ से राम लड्डू भी खाए और गोलगप्पे तो खाना ही था। ऐसे चाहिए आ जाएगा।
लो भैया, कूपन लेना होगा बेटा इधर से आ। गाइस यहाँ पे छोटे बच्चियों के लिए सूट है, कितने क्यूट लग रहे हैं मुझे देखकर। हर एक कलर में ये सूट आपको मिल जाएगी, अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो। इनके बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है, और मेन बात ये है ना, इनके पास सारे कलर्स है बच्चों के लिए। आपको जो भी कलर चाहिए सारे कलर सबको मिल जाएगी। और ये स्टार्टिंग होते हैं 1000 से स्टार्टिंग है, और बच्चे से लेके बड़ों की भी है यहाँ पे। ये डिफरेंट शॉप था, यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे डिज़ाइन इनके जयपुर से आते हैं इनके जो सूट हैं। और ये है गर्ल्स के लिए मेकअप पाउच, ये सारे कलर्स में है। और देख ही पा रहे हो गर्ल्स की चॉइस की कलर की है, मोस्टली यहाँ पे पिंक की मुझे दिख रहा है, पिंक भी है रेड भी है। ये मेकअप की सेट है, मतलब सेंट्रल मार्केट जो है ना पूरी लड़कियों के लिए ही है, मतलब लड़कियों की ही सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर मिलती है। लड़कों की तो है ही, बट उतना नहीं जितने हमारी लड़कियों के लिए है। हर तरफ आपको लेडीज़ के सामान ही दिखेगी, ये पर्स है, ये मेकअप किट्स है, ये सारे चीज़। और फिर हम आ गए ये चूड़ी वाले भैया के पास, ये वाले शॉप से हमने चूड़ी खरीदी। यहाँ से स्टार्टिंग प्राइस है 150। आप देख ही पा रहे हो सारे कलर्स में हैं, तो दिवाली है चूड़ी तो बनता ही है लेना, चूड़ी भी लेनी है, मेहंदी भी लगवाने हैं। और यहाँ पे ईयर रिंग्स इतने अच्छे अच्छे हैं, मतलब अब कोई भी कपड़े उठा लो उसी के मैचिंग किया हुआ सारे ईयर रिंग्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके साथ चूड़ियाँ भी मिल जाएगी, बिंदिया भी मिल जाएगी, आप लोग देख ही पा रहे हो। और ज्वेलरी सेट भी है यहाँ पे, सिल्वर की ज्वेलरी भी है, और सारे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है। तो मैंने तो यहाँ से ले ली चूड़ियाँ, और फिर कुछ और भी सामान लेना है यहाँ से, तो देखते हैं और क्या क्या है। आप वैसे तो यहाँ पे ये रबर बैंड ये सब सारी चीज़ें हैं, अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या लेना है मुझे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी ख़रीदा हुआ है। वैसे ये सारी चीज़ें नई नई आई है और बहुत ही फैंसी फैंसी है, मतलब नए नए चीज़ें ना आती रहती है मार्केट में। और ये है एक खिलौने की दुकान बच्चों के लिए, नए नए सारे खिलौने आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़ देखना, तो मुझे लेना नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ पे देखने आई थी। ये डॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, देख ही पा रहे हो कितने क्यूट है ना क्यूट, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वीडियो में ले लूँ। और ये फुटपाथ में भी है सूट्स, ये स्टार्टिंग प्राइस है शायद ये 600 है स्टार्टिंग प्राइस। और यहाँ पे भी सारे कलर सबको मिल जाएगी सूट में, जो भी जिनको भी शॉप से लेनी है वो शॉप से ले सकते हैं। और ये बच्चों के लिए फिर एक दुकान दिखी मुझे, बच्चों के भी है बड़ों के भी है। गाइस ये है अप्सरा एक्सक्लूसिव, इन्होंने जो डेकोरेट कर रखा है आप लोग देख ही पा रहे हो, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना लहंगे मिलते हैं और सूट मिलते हैं, तो मैं हर बारी ये वाली शॉप में आती हूँ और मैं लहंगा यहाँ से भी एक उठाती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली शॉप। और ये बाहर देख पा रहे हो सूट्स है, मतलब हर तरीके की आपको सूट मिल जाएगी ये वाली मार्केट में, आपको जैसे चाहिए हर वैरायटी है। और यहाँ पे देखो स्कर्फ कितने प्यारे प्यारे हैं, हर कलर में भी है यहाँ पे। ये सेल में चल रही है, 150 प्राइस है इसकी, ये देख ही पा रहे हो 150 की सेल है। और टी शर्ट्स भी है यहाँ पे, स्टेटस टी शर्ट्स की जो
स्टार्टिंग प्राइस है 300। गाइस ये हमारे सेंट्रल मार्केट में हनुमान जी की मंदिर है एक छोटी सी, और पार्क के साथ ही लगा हुआ है, पीछे पार्क है, ये देख लो पार्क। और ये दिवाली की वजह से लाइटिंग कर रखा है इन्होंने, बहुत ही रौनक है मार्केट में। इतनी बड़ी पार्क भी है, खाने के भी सारे चीज़ है, और बीच में हमारे हनुमान जी बैठे हुए। और हाँ जी ये देख लो, ये 800 की पीसेस है, हर कलर में ये आपको मिल जाएगी, और सूट भी बहुत सारे हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी। ये 800 की, ये भी सूट 800 की है, बहुत सारे सूट्स हैं यहाँ पे, मतलब सेंट्रल मार्केट में जैसे धूम मची हुई है सूट्स की। आओ जी भाई ले लो ऐसी वाली बात थी पूरी मार्केट में। गाइस ये है कशिश स्टोर, यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे लहंगे सूट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है, और मैं अंदर की वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि इन्होंने मना करा था कि वीडियो शूट अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो देखो हमारी दिल्ली में यही चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही दिवाली आती है फेस्टिवल टाइम होता है तो कितने अच्छे से इसको डेकोरेट करते हैं हर एक शॉप को। और लहंगे आप लोग देख ही पा रहे हो, मैंने बाहर से ही दिखा रही हूँ आपको क्योंकि अंदर की शूट तो अलाउ ही नहीं था, मैंने जैसे आपको बोला ही है, तो ये बाहर से मैं आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे कलेक्शन हैं इनके और कितनी अच्छी अच्छी है। ये सूट्स 8000 से स्टार्टिंग है, महंगे महंगे मतलब ये थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये वाले शॉप, ये आपको 8000 से स्टार्ट मिल जाएगी, 20000 तक की है, और ये अभी सेल पे भी चल रही है तो आप ले सकते हो। आप ऐसी डिज़ाइन में ऐसी ब्लाउज में ना मुझे दूसरे कलर में दिखाओ। और ये है येलो कलर की कलेक्शन, आप लोग देख पा रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं येलो। गाइस दोपहर को आई थी और शाम होने वाली है, यहाँ पे ये बालों के लिए मैंने ले लिया हुआ है, और देखो अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब जैसे ही शाम होते जा रही है और क्राउड बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई अब। और ये देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा रश है, मतलब अभी शाम हो गई है तो लोग और भी ज़्यादा आने लगे हैं। बट ये वाले शॉप से मुझे कुछ लेना था तो हर एक शॉप से कुछ ना कुछ लिया मैंने, क्योंकि यही टाइम होते हैं जो आप आओ और सारे सामान नए कलेक्शन मिलते हैं, हर एक दुकान में जाके हर एक वैरायटी लेना मुझे अच्छा लगता। और गाइस ये है जूतिया की शॉप, आपको यहाँ पे हर एक कलर मिल जाएगी, जैसे जिस कलर की आपकी सूट है लहंगे है तो आपको बस सेम कलर की यहाँ पे जूती आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे जूते हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो कि इनकी कलेक्शन कितनी अच्छी है। ये लड़कियों के लिए है, ये वो जो कुर्ते पहनते हैं तो उसके साथ उनके लिए भी मैचिंग किया हुआ है, और ये सारे कलर्स जेंट्स के लिए भी है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लड़कियों के लिए भी है, हर वैरायटी है यहाँ पे, सिर्फ सूट के साथ भी पहन सकते हैं, और डेली वेयर के भी शूज़ है यहाँ पे, तो ये वाले शॉप में वैरायटी मिल जाएगी आपको, मतलब आपको और दूसरी दुकान में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, यहीं पे आ जाओ सबके लिए शूज़ ख़रीद लो, और स्टार्टिंग प्राइस है 600। और गाइस फाइनली मेरी शॉपिंग हो चुकी है, मुझे अभी और थोड़ा बहुत कुछ और भी लेने हैं, ये लड़ियाँ लेनी है, आप देख ही पा रहे हो कितनी सुंदर सुंदर लड़ियाँ है, ये तो लेनी है ही मुझे, वो गेंदा फूल के जो आते हैं वो भी लेने हैं घर के लिए, और भी मुझे रंगोली के सामान लेने हैं, मूर्तियाँ लेनी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी पूजा सामग्री के सामान भी लेनी है, तो मेरा तो आज के तो शॉपिंग हो ही चुके हैं। अब मैं यहाँ से लड़ियाँ लेकर फिर मैं जाऊँगी दूसरे शॉप पे। और ये है किम शॉप, सेंट्रल मार्केट में ही है, यहाँ पे लड़कियों के लिए वैरायटीज़ जूतियाँ मिल जाएगी और पर्सेस मिल जाएंगे, पार्टी में आप ले कर जा सक। गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है,
और मैं ब्लॉग यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड